भगवान जी को भोग लग गया, अब थोड़ी देर छोड़ देते हैं, भगवान जी तब तक खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय सोनी फ्यूचर बिगेस्ट स्टार। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह उठी, सारा काम हो गया, नहा भी नहीं, पूजा भी कर लिया मैंने, उसके बाद अब जा रही हूँ नाश्ता करने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो में बने रहे। अब मैं जा रही, आज बहुत दिन बाद, मैं बहुत दो दिन हो गए मैं चना फूल ले ली थी और मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो आज मैं सबसे पहले सुबह सुबह ही जा रही चना मस्त, उसमें गाजर, खीरा, टमाटर, जो जो सारी चीज़ें डालकर, नींबू और मिर्च, नमक, मस्त एकदम चटपटा सा खा लूँ, उसके बाद फिर कुछ खाऊंगी। फिलहाल चलते हैं और रोस्ट करने वाली चटपटी को बनाते हैं, है ना, उसके बाद खाते हैं। उससे पहले आप मेरे भगवान जी को दर्शन करो। हमारे घर के भगवान जी बहुत ही अच्छे, हमेशा सजे धजे रहते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर। जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे पूजा रूम बहुत ही पसंद आता है। जस्ट मैंने पूजा करी, ये रहा प्रसाद जो अभी भैया ने बताया। कैसा लगा मेरे घर की भगवान जी का साज सजावट, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। ये रहा मेरे चना चटपटी बनाने का सारा इंग्रेडिएंट। मैं अकेले खाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ा सा चना लिया और ये सब में से थोड़ा थोड़ा डालूंगी, इतना बहुत इनफ मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, आधी टमाटर, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी खीरा और थोड़े से बीट और थोड़ी सी धनिया पत्ता और फिर नींबू। तो इसको फटाफट काटते हैं। मैंने चने चटपटी की सारा इंग्रेडिएंट्स को काट लिए, बस लास्ट 3 नींबू डालना है मुझे इसमें। अब इसे भी निचोड़ दिया आज मस्त, इसके बीच। अरे यार, और ये रहा काली मिर्च, काली नमक, और इधर रहा नाश्ता भी आ गया हमारा, ये सब्जी, रोटी और लड्डू मिक्सचर। ये रहा मेरा चना चटपटी, मस्ता टेस्टी है। चना का चटपटी खाकर आया मज़ा, साथ ही साथ मैंने तुरंत ही नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ते में मेरी रोटी थी, बैगन आलू की सब्ज़ी था और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, लड्डू और मिक्सचर था। मेरे घर में यहाँ पे सबको आदत हो चुका है रोटी के साथ मिक्सचर खाना या फिर मिठाई खाने का, तो मैं भी मिक्सचर और मिठाई भी खा ली और साथ में फिर थोड़ी देर बाद मैं लंच बनाना शुरू की, चावल। और आज भी मैंने बनाया है सूटी आलू की सब्ज़ी और साथ में देखते हैं क्या बनेगा, भी बैगन की चटनी भी हो सकता है या टमाटर की चटनी, कुछ भी बनेगा। और अभी दीपू बाबू और मेरी जेठानी गए हैं बाहर, थोड़ा काम था तो वो दोनों साथ में मार्केट गए और मैं बैठ के देख रही हूँ आज प्रेम की गजब कहानी। सॉरी, एडवर्टीजमेंट देना शुरू हो गया उधर। बाकी अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ, पता नहीं, बैठ के भी कोई है नहीं घर पे तो मैं आराम से भी थोड़ा सा इधर उधर हो लेती हूँ। मैं खाना बना लिया और अब जा रही मैं भोग लगाने। मैं खाने में बनाई हूँ वही सूटी और चावल की, चावल सूटी का सब्जी, चावल और सैलेड काट लिया और चिप्स बनाने वाली हूँ। चिप्स बनाकर फिर भगवान जी को भोग लगाऊंगी जैसे रोज लगता है हमारे यहाँ वैसे ही। तो आज मैं दिखाऊंगी क्या क्या कैसे भोग लगाते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तीनों टाइम का भोग लगता है, सुबह, दोपहर और शाम में भी। एक ड्राई फ्रूट्स जो लगाते हैं भोग वो अलग है, लेकिन अगर जो हम खाते हैं वो भी भगवान जी को खिलाते हैं वो एक अलग ही है, वो मज़ेदार है। मैं दिखाऊंगी आज आपको, उसके साथ शेयर करूँगी। हमारे घर के बनाए हैंडमेड, मेरी जेठानी ने बनाया ये आलू का चिप्स और ये जलेबी, तो अब इसी को जाड़ी छान ले। ये मैंने चिप्स छान लिया फटाफट, कितना मस्त दिख रही है आलू के चिप्स, मेरी जेठानी ने बनाया है और वो भी हैंडमेड, हाँ हैंडमेड बना हुआ है। और ये जलेबियाँ भी बड़ा ही मस्त इसका टेस्ट है, इसमें नमक मिर्च वगैरह, सैलेड भी काट लिया मैंने, ये सब्ज़ी बनाया है और इधर चावल। अब जाड़ी मैं भगवान की थाल जाने। ये रहा मेरे भगवान का रूम और भगवान की प्लेट, ये है इनकी थाली
और साथ ही साथ ये कटोरियाँ, तो मुझे एक ही चाहिए होगा ताकि एक में सब्जी निकाल पाए बस। सब्जी को दिखाओ, सब्जी को ठीक है ना झोल इसमें। अब ये मैंने सारा मतलब खाना निकाल लिया, जो जो बना था घर पे सारा, सैलेड चावल और ये चिप्स वगैरह। अब इसमें डालेंगे तुलसी पत्ता ना दी, तुलसी पत्ता डालने के लिए मुझे डाली थी खाना। ये रहा तुलसी पत्ता जिसको सब में डालना है एक एक ना। और फिर भगवान के पास लगा देना, आसन करना, लगा तो तब ना आसमन कर पाएंगे। और फिर ये आज बना भगवान जी को भोग लगी है, थोड़ी देर छोड़ देते हैं, भगवान जी तब तक खाएंगे। भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम देवरानी जेठानी जा रहे हैं खाना खाने। आज बहुत टाइम बाद हम देवरानी मतलब घर की स्त्रियां पहले खाना खाने जा रही है। रहा मेरा खाना चावल सब्जी सैलेड और चिप्स, और अब हम जा रहे खाने। जो भोग हमने लगाया था फिर उसके बाद फिर से हम क्या बोलते आचमन करवा के मैंने भोग उठाया और फिर हम लोग सब मिलकर खाए खाना, तो मैं मेरी जेठानी सब लोग खा लिए। और उसके बाद फिर क्या शाम हुआ थोड़ा देर लेटे और अब रेस्ट मतलब अब फिर से शाम में काम धाम किया, बाकी सारा काम ख़त्म हो गया, अब रात की तैयारी होगी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल हमें, कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी हेल्दी एंड बी बेस्ट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं कल एक अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू।